दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तर्जमा करवाते हुए पेरेंट्स और टीचर्स एक गलती कर जाते हैं कि बच्चे को लफ्जी तर्जमा करवाते हैं जिसमें एक एक वर्ड का तर्जमा करवा रहे होते हैं, तो बच्चा क्या करता है वो एज ए होल सेंटेंस की समझ से कासिर रहता है। उसको पूरे फिक्रे की समझ ही नहीं आ रही होती कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। मैं सिंटैक्स का एक हम्बल सा स्टूडेंट हूँ, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि बच्चे को फ्रेजेस में कैसे तर्जमा करवाना है। और उसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि एक जो वर्ड होता है इंडिविजुअल, वो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, क्या ये ऑलवेज ड्रैम्प ये बॉन्ड बन रहा है इसका, या ड्रैम्प्ट ऑफ फ्लाइंग ये बॉन्ड बन रहा है। एक एक चीज़ को आपने समझना है। एम आ ये बॉन्ड बनता है इसका, मतलब अगर आप किसी को कहें कि एम आ, तो उसको क्या कोई चीज़ समझ आती है? ऑफ कोर्स नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये इसका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, आ का, इसके ब्रेव के साथ बन रहा है, और ब्रेव के साथ भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रेव भी चाइल्ड के साथ। तो आ ब्रेव चाइल्ड ये एक पूरी फ्रेज़ है। तो बजाय बच्चे को ये तर्जमा करवाने के कि आई मैं एम हूँ आ एक ब्रेव बहादुर चाइल्ड बच्चा, मतलब एक तसव्वुर करें कि एक बच्चे को अगर ये चीज़ पढ़ाई जाए मैं हूँ एक बहादुर बच्चा, तो बच्चे को समझ नहीं आती। उसको इस पूरी फ्रेज़ की ट्रांसलेशन करवाई जाए, एक बहादुर बच्चा, आ ब्रेव चाइल्ड एक बहादुर बच्चा। तो ये जब मैं बताता होता हूँ कि नाउन फ्रेजेस करवाई जाती हैं हम बच्चों को, अगर बचपन से ही नाउन फ्रेजेस सिखा दें तो बच्चों की एक बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। अभी मैं सारा आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना स्टार्ट में बड़ा ज़रूरी था ताकि आप इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। फिर बाय नेचर है, अगर देख लें तो बाय नेचर ये पूरे का पूरा सेंस देता है। बाय अकेला सेंस नहीं दे रहा था बच्चे को, जब बाय नेचर के साथ मिला तो फिर उसने पूरा सेंस दिया। फिर इमेजिनड के बाद देखिएगा ज़रा, इमेजिनड टू अचीव, ये देखिए अचीव या हासिल करने का सोचा। अच्छा जी, अचीव भी क्या करना है, माई सक्सेस इन द स्काइज़। अब इन द स्काइज़ ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, माई सक्सेस ये एक नाउन फ्रेज़ है। तो वो बच्चा अपने ख्वाब की बात कर रहा है। अब आप उर्दू मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उर्दू के लिए बेटर वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं इंग्लिश को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ड्रैम टॉप फ्लाइंग इसको आपने इकट्ठा तर्जमा करवा दिया, आई मैं एम हूँ आ एक ब्रेव बहादुर चाइल्ड बच्चा। तो इसको मैंने बताया कि आप इसको इकट्ठा कर दें, मैं हूँ एक बहादुर बच्चा, मैंने हमेशा इमेजिन किया, ऑलवेज इमेजिनड, क्या इमेजिन किया, टू अचीव माई सक्सेस। इस सारे को इकट्ठा भी करवाया जा सकता है, इसको अलहदा करवा दें, टू अचीव हासिल करना, उसके बाद क्या माई सक्सेस मेरी जो काम है अभी है, मेरी जो सक्सेस है इन द स्काइज़, स्काइज़ में। आई लिव इन अ माउंटेनियस एरिया विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट। अब देखें, मैं जब नाउन फ्रेजेस करवा रहा था, मुझे लोगों ने कहा जी कि आप इतनी मुश्किल इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गए हैं। अब देखें यहाँ से लेके ना, ये आ माउंटेनियस एरिया विच इज़ एन आइड, यहाँ तक ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज़ है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक जगह पर रहता हूँ, मतलब आई लिव इन इट या आई लिव देयर। तो इन से लेके आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, अगर इनको भी साथ मिला दें तो उस प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन फ्रेज़ है। कैसे, माउंटेनियस एरियाज़ को वो विच क्लॉज के साथ ओपन कर रहा है। वैसे तो अब माउंटेनियस एरिया ये एक नाउन फ्रेज थी, लेकिन उसने क्या किया, विच के साथ उसको पूरे का पूरा ओपन कर दिया, विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट प्लेस या टूरिस्ट स्पॉट। अब उस नाउन फ्रेज के अंदर एक और नाउन फ्रेज भी है, कौन सी, एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि अगर इसको हम कहें तो नाउन फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज आ रही है। तो आपने इसका तर्जमा कैसे करवाना है, आ माउंटेनियस एरिया इसका लहजा करवा देना है, उसके बाद विच से आपने लहजा करवाना है, विच जो के है के बाद फिर इस पूरी नाउन फ्रेज का आपने तर्जमा करवाना है, एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि एक बड़ा ही आइडियल अच्छा सैर करने का स्पॉट। अच्छा जी, फ्लाइंग वॉज माई पैशन, फ्लाइंग अलहदा कर दिया, उड़ना वॉज था, माई पैशन ये नाउन फ्रेज आ गई, इसको आपने अलहदा कर दिया, मेरा पैशन था, मेरा जज्बा था। वंस एक मरतबा, आई साइटेड मैंने देखा, अब ये साइटेड वर्ब आ गया आपका, एन ऑब्जेक्ट, अब ये देखिएगा ये नाउन फ्रेज चेक कीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड लाइक अ पैराशूट। अब इस ऑब्जेक्ट को वो ओपन कर रहा है, यहाँ से देखिएगा ज़रा, ऑब्जेक्ट को दैट क्लॉज के साथ ओपन कर रहा है, जैसे आप कहते हो आई मेट अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ हैट,
ठीक है, मैं एक शख्स को मिला, एक लड़के को मिला जो कि हैट पहने हुए था, तो द बॉय हु वॉज वियरिंग अ हैट, या हु लग सकता है यहाँ पे जानदार के लिए, विच लग सकता है बेजान के लिए जैसे ये लगा, और दैट लग सकता है बेजान और बेजान जानदार दोनों के लिए। अच्छा, वो लुक्ड दिखता था कैसा, ये वर्ब है बेसिकली, लेकिन ये इस पूरी नाउन फ्रेज के अंदर वर्ब फ्रेज आ रही है एक, लुक्ड लाइक अ पैराशूट, वो दिखता था पैराशूट की तरह, तो आ पैराशूट भी बजाते हुए देख नाउन फ्रेज गया। सो आई रीच्ड द स्पॉट बाय माय बाइक, सो फिर ताहम या फिर मैं पहुंचा, इसलिए भी कह सकते हैं, इसका डिफरेंट तर्जमे होते हैं। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, द स्पॉट, स्पॉट पे। अब यहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं, जी एट नहीं लगाया, एट लगता है नहीं लगता, थोड़ा सा मार्जिन होता है लैंग्वेज के अंदर। आई रीच्ड, मैं पहुंचा द स्पॉट, स्पॉट के ऊपर, बाय माई बाइक, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज पी पी आ गई, इसको आपने अलहदा कर दिया। इट, फिर इट आ गया, वॉज था। अब ये देखिएगा ज़रा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ये पूरा का पूरा चेक कीजिएगा, ये एडवांस्ड जो मैं इंग्लिश करवा रहा होता हूँ कि जिसमें मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब ये रूल आता है, जब एस लगा होता है आगे, तो आपने इस एस को नहीं देखना होता बल्कि इस वन को देखना होता है, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स या वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उसके बाद इस वॉज को इस वजह से लगाया जा रहा है कि दोस्तों में से एक क्या था, वॉज स्टैंडिंग देर, वहाँ पर खड़ा हुआ था, वॉज अलहदा हो गया, या वॉज स्टैंडिंग को इकट्ठा करवा दें, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, देयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। ही, उसने कॉल्ड मी, मुझे आवाज़ दी, टू हेल्प हिम, इसको इकट्ठा कर दें, उसकी मदद करने के लिए। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स अटैच्ड टू द बलून, अच्छा आई हेल्ड, मैंने पकड़ लिया वन ऑफ द रोप्स, अच्छा रोप्स भी कौन सी है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को ओपन कर रहा है, रोप्स कौन सी, विच वर अटैच्ड या रोप्स अटैच्ड टू द बलून, अच्छा ये एक्चुअली यहाँ तक ना ये सारी की सारी ये नाउन फ्रेज ही है, लेकिन अब करना क्या है, इसको हमने पीसीज में ब्रेक करना है, वन ऑफ द रोप्स यहाँ तक इसको कर दिया, यहाँ पे अगर विच आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी से बच्चे को समझाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, विच वॉज अटैच्ड टू द बलून, जो कि बलून के साथ अटैच थी, या बलून के साथ अटैच हुई, जुड़ी हुई एक रस्सियों, रस्सियों में से एक, या एक रस्सी, सिंपल वे में आप कह सकते हैं। अच्छा, आई वॉज सपोज्ड, ये वर्ब आ गया, मतलब फ़र्ज़ किया जाता था, यानी कि मेरे लिए ज़रूरी था, या मेरे लिए तसव्वुर किया जाता था कि मैं ये करूँ, यानी कि ज़रूरी था, इस सेंस में भी आ सकता है कि आई वॉज सपोज्ड टू होल्ड, होल्ड पकड़ना, होल्ड ऑन टू, ये इकट्ठा है, होल्ड ऑन टू, कि उसको मैं पकड़ूं, किसको, द रोप, रस्सी को, अनटिल, अनटिल कब तक, द बलून वॉज, द बलून को इकट्ठा कर दिया, यहाँ तक ब्रैकेट लगा देते हैं, अनटिल द बलून वॉज फिल्ड विद एयर एंड रेडी टू फ्लाई, एंड के बाद रेडी टू फ्लाई को इकट्ठा कर दें, और फिल्ड विद एयर इसको इकट्ठा कर दें, तो ये इस तरह आसान हो गया, फिल्ड विद एयर, हवा से भरा हुआ, वॉज फिल्ड विद एयर, हवा से भरा हुआ था, एंड और रेडी टू फ्लाई, यानी कि जब तक वो हवा से भर ना जाए, और अच्छा तर्जमा करते हुए एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपने इसका समटाइम्स वर्ड टू वर्ड तर्जमा या फ्रेज टू फ्रेज तर्जमा भी काम नहीं कर रहा होता, तो उसकी सेंस देने के लिए अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, यानी कि जब तक वो भर ना जाए हवा के साथ और उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, मुझे उसे पकड़ कर रखना था, अच्छा सपोज टू को हमने थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया, बस पकड़ के रखना था जब तक वो हवा से भर ना जाए, किसको पकड़ के रखना था, एक रस्सी को पकड़ के रखना था, रस्सी को पकड़ के रखना था जब तक वो हवा से भर ना जाए, कौन, बलून, और रेडी टू फ्लाई ना हो जाए, उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसका तर्जमा किया फ्रेजेस की शक्ल में, तो उम्मीद है कि आप कोई नेक्स्ट पैराग्राफ को खुद से ट्रांसलेशन करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।